उज्जैन पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस की सप्लाई करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रीजनल स्टेडियम से पहले गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अविनाश शर्मा उर्फ पुत्र सुखमंगल शर्मा निवासी संसार पार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक देसी तमंचा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि थाना कैंट पुलिस व एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम 31 दिसंबर 2021 को बंगाल के असलहा तस्कर गोविंदा बसफोर पुत्र राजेश बसफोर निवासी इक्षापुर मोहल्ला चुनरी पांडा वार्ड नंबर 13 थाना नवापाड़ा जनपद 24 परगना पश्चिम बंगाल, सूरज यादव पुत्र सरोज यादव निवासी इक्षापुर मोहल्ला देवपुरी वार्ड नंबर 1 थाना नवापाड़ा जनपद 24 परगना पश्चिम बंगाल के कब्जे से अवैध असलहा बरामद करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पूछताछ में अभियुक्त के सप्लायर के बारे में पूछने पर बताया गया कि गोरखपुर के रहने वाले अविनाश शर्मा और पिंटू पुत्र सुखमंगल शर्मा निवासी संसार पारा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर द्वारा असलहा सप्लाई किया जाता है, जिसे हम लोग गोरखपुर से बंगाल तक पहुंचाते हैं। तभी से थाना कैंच गोरखपुर की पुलिस वांछित अभियुक्त अविनाश शर्मा और पिंटू पुत्र सुखमंगल शर्मा की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे थे, किंतु अभियुक्त अविनाश शर्मा अभियुक्त गोविंद दासपुरवा सूरज यादव के जेल जाने की सूचना पाकर अपने आप को पुलिस से छुपाकर इधर उधर रह रहा था। 23 अप्रैल को कैंट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त अविनाश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से एक देसी तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किया गया तथा पूछताछ में अविनाश शर्मा ने बताया कि वह अवैध असलहों की सप्लाई करता है एवं असलहा लेने वाले ग्राहकों को उपलब्ध कराता है। गोरखपुर बस स्टेशन पर असलहों की सप्लाई करने आया था, लेकिन आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक मृत्युंजय कुमार राय, हेड कांस्टेबल मोहम्मद मोहसिन खान, रंजीत सिंह शामिल रहे।